नमस्कार, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है, ये सभी हैं जिनका आंसर आपको एक ही प्राप्त होगा, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य है। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट का पासिंग मार्क्स क्या होने वाला है। तो सीटेट का जो पासिंग मार्क है, जनरल के लिए पासिंग मार्क है 60%, अर्थात 150 का 60% जब हम निकालेंगे तो 90 अंक। जनरल या यूआर कैटेगरी में यदि आप हैं किसी भी स्टेट में, तो उसमें पास होने के लिए आपको 90 अंकों की आवश्यकता होगी। अब हम बात कर लेते हैं अदर कैटेगरी की, जैसे कि है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो इन सभी कैटेगरी में पासिंग मार्क्स 55% है, अर्थात जब 150 का 55% निकालते हैं तो 82.5 अंक मिनिमम पास होने के लिए आवश्यक है। किंतु अधिकांशतः यदि किसी अभ्यर्थी के अंक 82 भी आए हैं तो उसे सीटेट में पास मान लिया जाता है, क्योंकि इसमें राउंड फिगर जाता है। तो यदि किसी अंक के अंक किसी भी अभ्यर्थी के अंक 82 आए हैं तो वह पास हो जाता है। लेकिन ऑफिशियली तौर पर यदि सीटेट की वेबसाइट पर जाकर देखें तो वहाँ पर 55% है, और 55% निकाले तो 82.5 अंक आपको पास होने के लिए अनिवार्य है। लेकिन यदि हम बात करें, यदि कोई ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी किसी अदर स्टेट में फार्म डालता है तो उसे एज आ यूआर या जनरल ट्रीट किया जाता है, अर्थात उसे जनरल में माना जाता है। और जनरल में माना जाने के लिए उसे पासिंग मार्क 60% लाना अनिवार्य होता है, अर्थात जो भी कुल टोटल परसेंट कुल टोटल मार्क है उसका 90% 90 अंक लाना पड़ेगा। अर्थात यदि आपको अदर स्टेट में फॉर्म डालना है तो फिर आपको 150 में 90 अंक लाना अनिवार्य है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।